सो गाइस, अभी चारों तरफ जो है आईफोन 15 सीरीज की चर्चाएं चल रही है और ऐसा बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू लीक्स कि सबसे बड़े अपग्रेड जो है ना हिस्ट्री के अंदर वो आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर होने वाले हैं। तो क्या अपडेट्स होने वाले हैं और ये अपडेट्स होने भी वाले हैं नहीं होने वाले हैं, सब कुछ आपको वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। पर सबसे पहले हम डिजाइन की बात कर ले तो डिजाइन आप देखते आ रहे हो कि आईफोन 12, 13, 14 बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम डिजाइन के साथ में आते हैं, पर इस बार डिजाइन में काफी कुछ चीजें चेंज होने वाली है। बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं पर वो फिजिकली आपको नहीं दिखेंगे, इंटरनली काफी बड़े अपग्रेड्स होने वाले हैं। क्या चीज होने वाली है, देखो सबसे पहले आपको गाइस यहाँ पे टाइटेनियम फ्रेम देखने के लिए मिलने वाला है एल्युमिनियम फ्रेम की जगह, वो फोन की ड्यूरेबिलिटी को और भी ज्यादा तगड़ा बना देगा और फोन उससे काफी ज्यादा लाइट वेट हो जाएगा, क्योंकि प्रो सीरीज के फोन जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा भारी हाथ में फील होते हैं, तो इस बार काफी ज्यादा लाइट वेट फोन होने वाली है। एंड सेकेंडली जो फ्लैट साइड्स होती है ना प्रो सीरीज के अंदर वो चेंज करके इस बार कर्व प्लस फ्लैट एजेस आने वाली है, जैसे कि सैमसंग S23 अल्ट्रा फोन था उसमें आई थी ना, इस बार फ्लैट प्लस कर्व वैसा ही सेम होने वाला है, क्योंकि फ्लैट साइड्स जो होती है ना वो हाथ में कुछ इतनी अच्छी ग्रिप नहीं देती है। मान लो कि रात में फोन भी चला रहे हो आप सोते टाइम पर, उस टाइम पे आग लग जाए और फोन मुंह पे गिर जाए तो बहुत ही हार्म हो सकता है, उससे बहुत ही शार्प होती है। उसको चेंज करके हाथ में अच्छी ग्रिप बनाने के लिए और भी प्रीमियम फ्लैट प्लस कर्व एजेस आने वाली है, वो काफी अच्छा रहने वाला है। बाकी आप पूरा एप्पल का आईफोन का डिजाइन देखो ना तो उसमें एक चीज और खास होती है और वो होती है म्यूट स्विच, पर म्यूट स्विच को हटा के एक और अच्छी चीज कर दी, क्योंकि म्यूट स्विच तो देखो वन प्लस में भी आता है, पर वन प्लस छोड़ के एप्पल क्यों ले उसका भी एक रीजन है और तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार यहाँ पे आने वाला है एक्शन बटन, जो कि एप्पल वॉच अल्ट्रा में लास्ट ईयर आया था वो आने वाला है फोन के अंदर। वो बहुत ही सारी चीजें एक साथ कर देगा, 10-15 चीजें उसी एक बटन से आप कर पाओगे, जैसे कि आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करनी हो, फ्लैश हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होंगी उस एक बटन से कर पाओगे, वो काफी क्रेजी एक्सपीरियंस रहने वाला है कुछ न्यू देखने के लिए हमें। वैसे इस कैमरा की बात करें ना तो कैमरा में काफी तगड़े अपग्रेड होने वाले हैं, क्योंकि आईफोन की कैमरा बहुत ही ज्यादा फेमस है और आईफोन जो है कैमरा के लिए बेसिकली खरीदे जाते हैं स्पेशली। तो गाइस यहाँ पे ना आपको सोनी का न्यू सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है आईफोन 15 प्रो सीरीज में, जो कि सोनी एक्सपीरिया R5 में यूज हुआ था वो होने वाला है। बाकी एक तगली चीज यहाँ पे ना आपको सिनेमेटिक मोड में 4K 60fps देखने के लिए मिलने वाला है। जब सिनेमेटिक मोड पहली बार आया था ना तो 13 में आया था और 14 में 4K 30fps आ गया था, और इस बार 4K 60fps होने वाला है, और उसमें ब्लर बिल्कुल एक्यूरेट हो गया ना, बोके इफेक्ट बिल्कुल DSLR की तरह आने लगा, इस बार फिक्स कर दिया इन्होंने। तो गाइस यहाँ पे कैमरास जो है ना डिजिटल कैमरास वो बिल्कुल फेल होने वाले हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा आईफोन्स को खरीदेंगे कैमरा को छोड़ के, क्योंकि फोन जो है वो ज्यादा परफॉर्म करता है, ज्यादा टास्क परफॉर्म करता है अगर हम कंपेयर करें कैमरा से, तो ये काफी तगड़ी चीज होने वाली है। भाई गाइस एक और तगड़ी चीज यहाँ पे आपको ना पेरिस्कोप जूम लेंस देखने के लिए मिलने वाला है, 6x तक की ऑप्टिकल जूम देगा। बाकी सैमसंग से बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं यार अल्ट्रा से एप्पल को, तो इस बार ये सारी चीजें क्लियर होने वाली। बाकी जो 3x ऑप्टिकल जूम था ना वो तो देखो तगड़ा ही था, पोर्ट्रेट इतने ज्यादा तगड़े क्लिक करके देता था, पर 6x ऑप्टिकल जूम आपको मिलने वाला है, पेरिस्कोप जूम लेंस भी आने वाला है और लाइटर सेंसर भी इस बार अपग्रेड होने वाला है, तो काफी तगड़ा कैमरा सेटअप होने वाला है। वैसे गाइस एक चीज आप देखो, सारे ही फ्लैगशिप फोन में ना एक चीज कॉमन होती है, वो होती है कर्व डिस्प्ले, पर आईफोन में अभी तक ना ही कर्व डिस्प्ले आई है और ना ही आने के कोई चांसेस हैं। तो एप्पल क्या कर रहा है, डिस्प्ले को काफी तगड़ा बनाने के लिए यहाँ पे काफी स्मॉल बेजल्स वाली डिस्प्ले आ रही है और ये अब तक की सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले होने वाली है। वैसे आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है उससे कोई भी ब्राइटेस्ट डिस्प्ले आज तक नहीं है, एंड्रॉइड कंपनियां जो है क्लेम करती है पर उनकी है नहीं वैसे, पर यहाँ पे ये जो डिस्प्ले ना काफी स्मॉल बेजल्स के साथ में आने वाली है, एंड हो सकता है कि इस डिस्प्ले की वजह से ना, इस प्रोडक्शन की वजह से एप्पल के जो आईफोन 15 प्रो सीरीज है वो थोड़ा डिले हो जाए। वैसे जो एप्पल का इवेंट है ना वो होने वाला है 12 या 13 सितंबर को, पर हो सकता है कि प्रो सीरीज आपको डिले देखने मिल जाए, लॉन्च हो जाएगा पर आप मार्केट में देख पाओगे कुछ टाइम बाद, लगभग उससे एक महीने के बाद में, तो हो सकता है कि डिले हो जाए इस वजह से। एंड वैसे गाइस बैटरी की बात कर लेना तो बैटरी बहुत ही कम अपग्रेड एप्पल करता है, पर इस बार काफी मैसिव अपग्रेड होने वाला है। इस बार आपको ना आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर 500mAh तक का बैटरी अपग्रेड देखने मिल जाएगा, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चलने वाली है और बहुत ही पावर एफिशिएंट होने वाली है। पावर एफिशिएंट किसी वजह से होने वाली है, वो वजह भी आगे बताता हूँ, पर सबसे पहले एक और न्यूज तगड़ी बताता हूँ, वो है कि टाइप सी आपको जरूर से देखने के लिए मिल जाएगा। MFI सर्टिफाइड केबल आपको एप्पल की यूज करनी होगी टाइप सी के लिए, तभी आपको सेम डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलेगी और चार्जिंग स्पीड मिलेगी। वैसे चार्जिंग स्पीड में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, सेम ही बिल्कुल रहने वाली है, पर यहाँ पे टाइप सी आ रहा है ये अच्छी बात है। बाकी नॉर्मल जो डेटा केबल होते हैं ना एंड्रॉइड वगैरह के, वो आप नहीं यूज कर पाओगे, अगर यूज करोगे तो बहुत ही भारी नुकसान हो जाएगा, तो एप्पल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, पहले ही आपको वार्निंग दे देगा। तो ये सारी चीज आपको बैटरी में देखने मिल जाएगी। बाकी बैटरी जो अच्छी बनाता है ना वो है एप्पल का A17 न्यू बायोनिक चिपसेट, जो कि इस बार आने वाला है। एंड ये जो A17 बायोनिक चिपसेट है ना, ये 3nm पे बेस्ड होने वाली है, हार्ड टू हार्ड टास्क आप इसमें कर पाओगे, क्योंकि आईफोन जो है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस पे चलते हैं। और अभी तक अगर हम कंपेयर करें ना आईफोन जैसे 12 प्रो ले लो, 13 प्रो ले लो और 14 प्रो से भी हम कंपेयर करते हैं ना 12 प्रो को, तो इतना कुछ परफॉर्मेंस में इंक्रीजमेंट नहीं देखने मिलेगा दोनों के अंदर ही, क्योंकि एप्पल जो है ना वो दो तीन
तीन साल आगे तक की परफॉर्मेंस को लेके चलता है। और एप्पल के जो फोन्स है ना वो ऐसे मैन्युफैक्चर करे जाते हैं कि 5-6 साल तो आराम से चल जाए, तब भी उनमें परफॉर्मेंस में इतना कोई डिफरेंस नहीं आता है। पर यहाँ पे जो एप्पल की A17 बायोनिक चिपसेट है ना वो बहुत ही तगड़े लेवल के परफॉर्मेंस इंक्रीजमेंट के साथ में आने वाली है। और जैसे कि लोग ना अभी तक आईफोन 10 भी लेना चाहते हैं, 11 भी लेना चाहते हैं, और मार्केट में आपको 6-7 तक देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि बहुत ही आराम से चल रहे हैं। तो ये चीज एप्पल की काफी ज्यादा बढ़िया है कि काफी अच्छे से मैन्युफैक्चर ये फोन होते हैं, इसमें ऐसी चिपसेट लगाई जाती है कि बहुत ही सालों तक फोन चले, वरना एंड्रॉइड फोन तो एकदम 2-3 साल बाद बिल्कुल खराब ही हो जाते हैं। तो एप्पल की A17 बायोनिक चिपसेट जो है वो पावर एफिशिएंट तो होनी वाली है, पर वो बैटरी को भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा चलाने वाली है। और एक सबसे तगड़ी चीज है जिसके ऊपर फोकस करने वाली है वो था कैमरा। कैमरा के अपग्रेड मैंने आपको अभी बताए, तो ये सारे अपग्रेड से जो इस बार के आईफोन 15 प्रो मैक्स में हो रहे हैं प्रो सीरीज के अंदर। पर अब बताता हूं मैं आपको क्या क्या प्राइसिंग होने वाली है। देखो पिछली बार इतने छोटे छोटे अपग्रेड हुए थे तब भी प्राइस बढ़ गया था $100, इस बार भी सेम बढ़ने वाला है। आईफोन 15 प्रो जो होगा उसकी प्राइस होगी 1,40,000, और जो प्रो मैक्स होगा उसकी होने वाली है 1,50,000। 256 GB से ये वेरियंट दोनों ही शुरू होने वाले हैं, दोनों ही फोन के 128 GB नहीं है, 256 GB होने वाला है। ये सारे प्राइसिंग अपग्रेड वगैरह थे, आपको कैसे लगे कमेंट करके बताओ। वीडियो आपको सुनाइए, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।